नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी जानते हैं जल्दी नींद लाने वाली गोली का सेवन अगर आप भी करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट कितना बुरा होता है और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। आप सभी को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए जब भी आपको नींद न आने की समस्या हो तो सबसे पहले उस समस्या को जड़ से खत्म करें और कोशिश करें कि आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा इस समस्या का निदान पाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आजकल तेज दौड़ती जिंदगी में जहाँ किसी को एक मिनट का भी आराम नहीं है, इसके कारण नींद ना आने का रोग बढ़ता जा रहा है। रही सही कसर मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है, जिससे छोटे और बड़े सभी को नींद ना आने की बीमारी लगनी शुरू हो गई है। मानसिक तनाव, नशा करना, काम की चिंता, पढ़ाई का तनाव, घरेलू क्लेश, रिश्तों में तनाव इत्यादि कई दूसरे कारण हैं जिनसे आपको नींद कम आने की बीमारी या रोग लग सकता है। जहां कुछ लोग जल्दी नींद आने के लिए घरेलू नुस्खे या उपाय अपनाते हैं, वहीं दूसरे जल्दी नींद लाने के लिए नींद की गोली या दवा खाने की गलती करते हैं, जिससे वो जल्दी ही नींद की गोली के आदि बन जाते हैं। जी हाँ, नींद जल्दी लाने की गोली के सिडेटिव और हिप्नोटिक गुण आपको जल्दी सोने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन इन स्लीपिंग पिल्स खाने के कई नुकसान भी होते हैं। और यदि किसी ने नींद की गोली अधिक खा ली है यानी ओवरडोज हो गई, तो इससे कोमा या मौत जैसे दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं जल्दी नींद लाने वाली गोली के क्या क्या नुकसान हैं, यानी कि बैड साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। नींद जल्दी लाने वाली गोली, दवा, मेडिसिन के नुकसान, साइड इफेक्ट्स जानते हैं। नींद आना बिल्कुल बंद हो जाना, सबसे पहले तो ये समझते हैं। जब आपको नींद नहीं आती हो तो आपको परेशानी होती है, इसीलिए आप जल्दी से सोने वाली दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप कुछ ही दिनों में उसके आदि बन जाते हैं और धीरे धीरे जितनी डोज आप लेते हैं उतनी डोज असर नहीं करती है और आप डोज बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको जानलेवा खतरा तो रहता ही है। साथ ही साथ नींद की गोली की आदत पड़ने से आपको गोली लेने के बावजूद नींद आना बंद हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग नींद लाने के लिए अधिक डोज ले लेते हैं, जिनकी नींद में मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। नींद में चलने की बीमारी होना, जी हाँ, जब आप नींद की गोलियों के आदि हो जाते हैं तब स्लीपिंग पिल्स के रसायनों से आपके दिमाग की केमिस्ट्री बदल जाती है और आपको नींद में चलने की बीमारी हो जाती है। कुछ लोग नींद में चलने की बीमारी होने का कारण दुर्घटना का शिकार भी मानते हैं, जैसे कि नींद में छत से गिरना या नींद में सड़क पर निकल करके किसी दुर्घटना का शिकार हो जाना भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। ऐसे लोगों को नींद में चलने का एहसास नहीं होता है और ऐसा आपने मूवीज में अक्सर देखा भी होगा, तो ऐसे लोगों की केयर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमेशा थकावट महसूस करना, शरीर भारी रहना, जी हाँ, हमेशा हर समय ताकत रहना और ऐसा लगना कि शरीर में जान ही नहीं हो, ये भी नींद ना आने की टेबलेट के लक्षण होते हैं। कभी कभी आलस में लोग ड्राइविंग करते हैं और उन्हें झपकी आने से दुर्घटना भी हो सकती है। कुछ लोगों को सिर घूमना, सिर का भारीपन, खड़े होने पर चक्कर आना जैसी शिकायतें भी होती हैं। ऐसे लक्षणों के चलते आप अपने कामकाज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और आपका जीवन भी बिगड़ने लगता है। नींद आने की गोली डालती है नशे की लत आप में, जी हाँ, कुछ लोग नशे के रूप में इनका प्रयोग करते हैं और ऐसे में कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे ओवरडोज से बेहोशी, कोमा या मौत। कुछ लड़के इन गोलियों का सेवन नशे के लिए करके किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। नींद आने की गोली देती है एसिडिटी को जन्म, जी हाँ, स्लीपिंग पिल्स आपके आहार तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, जिससे आपको एसिडिटी की शिकायत रहने लगती है और जिसके कारण न चाह करके भी अच्छी नींद नहीं आप ले पाते हैं। इसके अलावा जल्दी नींद आने की दवा से हो सकते हैं जल्दी मौत या फिर आप कैंसर के शिकार। जी हाँ, नींद लाने की गोली आपको गहरी नींद दे सकती है, लेकिन रिसर्च में यह पाया गया है कि ऐसी गोलियाँ आपकी उम्र को भी छोटा करती हैं, इसीलिए जरूरी नहीं है लेवल ओवरडोज, इसीलिए आप इसको ओवरडोज में बिल्कुल न लें, या अधिक गोलियां खाने से आपकी मौत भी हो सकती हैं, क्योंकि लंबे समय तक इन गोलियों का सेवन करने से आपके कम उम्र में मरने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसके अलावा नींद आने की दवा या मेडिसिन आपको कई प्रकार के कैंसर का शिकार बना सकती है। इसके अलावा कमजोर होता है आपका दिमाग इससे, क्योंकि
इन गोलियों का दिमाग पर असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दिमाग भूलने लगता है चीज़ों को और बहुत मुश्किल स्थिति में आप पहुंच जाते हैं दिमागी रूप से, यानी कि आपका दिमाग हर चीज़ को भूलने लग जाता है। इसके अलावा दम घुटना और चेहरा सूज जाना, ये भी इसका साइड इफेक्ट होता है। यदि आपकी नींद की गोली से एलर्जी हो जाए तो दम घुटना या चेहरे में बहुत अधिक सूजन आपके आ सकती है। ये लक्षण आते ही तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा शराब के साथ नींद की गोली घातक हो सकती है। बहुत सारे लोग नशे को बढ़ाने के लिए शराब के साथ नींद की गोली लेते हैं, पर ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नींद की गोली ओवरडोज होने पर क्या होता है? जल्दी नींद आने की गोली आपने डॉक्टर की बताई गई डोज से अधिक ले ली, तो इससे कोमा मौत भी हो सकती है। यदि आपका शरीर ओवरडोज को सहन नहीं कर पाता है और अगर सह भी लेता है तो आपको सांस घुटना, पेट में दर्द, शरीर को न हिला पाना, बेहोश रहना जैसे लक्षण हो सकते हैं, जिसका इलाज आपको जल्दी से जल्दी कराना पड़ेगा। इसके अलावा नींद की गोली की ओवरडोज कितनी होती है, यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी दवाई को अधिक मात्रा में ले लेना ओवरडोज ही होता है, जिसके परिणाम घातक होते हैं। यानी कि आप जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा तो भूल करके भी नहीं। इसीलिए इसे चिकित्सक के परामर्श पर, वो भी कभी कभी बहुत ही रेयर कंडीशन में लेना चाहिए। अन्यथा अगर आप पहले से ही ध्यान दे लें कि आपको ये समस्या स्टार्ट हो गई है, तो आप आयुर्वेदिक तरीके से या मनोचिकित्सक से मिल करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और राहत पा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि नींद की गोली का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि नींद की गोली जानलेवा साबित हो सकती है। यह आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए। अब हम आप सभी से नए एपिसोड में जुड़ेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।